का संस्कृति, जो हमारी सनातन का संस्कृति रक्षा करेगा उसको लाना चाहिए। झारखंड में जो इंडी गठबंधन का सरकार चल रहा है, ये सरकार हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारी जनजाति मूलवासी संस्कृति को, हमारी कुर्मी संस्कृति को एक खत्म करने का काम कर रहा है। लोग तुष्टिकरण का राजनीति आपको मालूम है। मैं 2021 में जब पिछले विधानसभा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मैं हराया। मैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को खुद हराई। बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में दुर्गा पूजा करने का इजाजत नहीं है। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाला है, हमारा दुर्गा पूजा आने वाला है। लोधिया जिला का एक 50 साल पुराना दुर्गा पूजा ममता बनर्जी का पुलिस रोक दिया है। हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश बाजार है, एक म्युनिसिपल छोटा टाउन, वहां का जितना भी दुर्गा पैंडल है उसको पुलिस बुला के दुर्गा मंडप का इलेक्ट्रिफिकेशन, डेकोरेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन, आलोक का सज्जा और जो एडवर्टाइजमेंट गेट लगता है उसमें से, और पूजा के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसमें कुछ उसको हेल्प मिलता है, व्यवस्था मिलता है, वो सब बंद कर दिया है बंगाल में। बंगाल के बसीराज का संदेश खाली कि सरबरिया में जो दुर्गा माता की मूर्ति तैयार हो रहा था, कुछ उपद्रवी ने तोड़ दिया है कुछ दिन पहले बंगाल में। आज जितना भी रोहिंग्या बांग्लादेशी है सब ममता बनर्जी घुसा रहा है बंगाल से। आप सुन लीजिए, जैसे बंगाल का पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज्यादा था, उत्तर दिनाजपुर में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, अभी बंगाल का 9 डिस्ट्रिक्ट हमारा हिंदू का हाथ से बाहर निकल गया। यहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। झारखंड में ए इंडी जोट का सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जिन्होंने ये काम कर रहा है, एक बहुत ही अलार्मिंग है। मैं आपको वचन देता हूं, नेता प्रतिपक्ष के नाते बंगाल विधानसभा हम लोग को 39% वोट मिला है पिछले लोकसभा चुनाव में। वहां लोकतंत्र नहीं है, वोट डालने नहीं दिया जाता है हिंदू लोग को, खास करके रिग होता है, रिगिंग होता है हर पोलिंग स्टेशन में। टीएमसी को हम लोग उतार फेंकेगा। पहले आपको झारखंड से इंडी जोट का सरकार को उतार फेंकना पड़ेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, 500 साल का हमारा सपना पूरा हो गया अयोध्या में। वहां एक नारा है, ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह भी पहले झारखंड तो हमारी झांकी है, उसका बाद बंगाल तो बाकी है। और झारखंड आप जिताइए, 15-16 महीने के बाद बंगाल में भी ये जो तुष्टिकरण की सरकार है, रोहिंग्या का सरकार है, जो हमारी महिला विरोधी सरकार है, उसको भी हम लोग उखार फेंकने का काम करेगा। बंगाल झारखंड में पिछले जो सरकार अभी जो चल रहा है, हमारी अमर बाहुरी जी बताया, एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। 5 लाख का नगरी नहीं हुआ, 72,000 हर गरीब परिवार में बीपीएल परिवार में डालने का बात था, वो भी पूरा नहीं हुआ। चूल्हा
13 महीने भी वो भी नहीं हुआ। जैसे ममता बनर्जी ने चुनाव का पहले पहले 5000 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यहां भी ये लोग पिछले 2 महीने में 1000 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम चालू कर दिया। ये लोग को पता चल गया है, ये लोग जाने वाला है इस चुनाव में। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड की 52 असेंबली बहाना हमारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का लीड है। इस बार इसमें से भी ज्यादा आएगा, इसलिए आएगा इसका जो संकल्प पत्र था उसका एक काम भी ये लोग नहीं किया है। हमारी सिंदरी इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ का जो बड़ी इंडस्ट्री था, जो स्टेट गवर्नमेंट का 2 इंडस्ट्री था वो बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 इंडस्ट्री भी ये लोग बंद कर दिया। मोदी जी ने FURL का इंडस्ट्री 22 साल में चालू किया। ये यहाँ का ज्यादातर सीट भी भाजपा का है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, इसका 6 में से 5 सीट बीजेपी का पास है। इसलिए ये सरकार भेदभाव का राजनीति किया, यहाँ विकास का काम प्रगति का काम नहीं हुआ है, ये सरकार भेदभाव किया है। इसलिए इस बार 6 का 6 सीट और हमारे ग्रामीण जिला का 3 सीट भाजपा और NDA गठबंधन को जिताना चाहिए, भारी वोट से जिताना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मुख्यमंत्री कुल खनन की स्कैम में जेल के अंदर था। एक कांग्रेस का नेता मंत्री आलमगीर आलम जी जिन्होंने घुसपैठिया को घुसा रहा है रोहिंग्या को, जिन्होंने गो माता को तस्करी का काम में अपने लोग को लगाया था, जिन्होंने टेंडर स्कैम किया है, उसका एक सार्वेंट का घर से 38 करोड़ बरामद किया ईडी ने। यहां का कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर उनका घर से more than 300 करोड़ इनका टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद किया है। झारखंड का बेरोजगार नौजवान किसान, हमारा बहन दीदी, झारखंड का कुर्मी समाज, झारखंड का तफसीली दलित समाज, झारखंड का जनजाति समाज, आप लोग को ये लोग कुछ नहीं दिया। नेता लोग का भ्रष्टाचार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जांच एजेंसी ने सामने लाया है। ये भ्रष्टाचारी सरकार को हटा के हर क्षेत्र में हर बूथ में कमल खिलाने का संकल्प के साथ परिवर्तन रैली को आगे आप लोग बढ़ाइए। पिछले दिन मोदी जी का जमशेदपुर में रैली हुआ, 5 लाख से ज्यादा आदमी वहां आया। मोदी जी ने फिर एक बार आवास योजना को चालू कर दिया। मोदी जी का 10 साल में उन्होंने 5 करोड़ आवास बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इस बार भी मोदी जी ने और भी 4 करोड़ आवास देने का संकल्प के साथ झारखंड का धरती से 3 करोड़ आवास योजना का काम यहां से सूचना किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपको नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का काम हमारी देश का 82 करोड़ जनता को गरीब कल्याण योजना, जो बाद में प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के नाम में चल रहा है, 5 किलो करके अनाज सबको देने का काम जो किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल से जल का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश में 14 करोड़ जनता को उनका घर में शौचालय निर्माण का काम किया है। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाया है। डबल इंजन का सरकार लाइए, ये भ्रष्टाचारी तुष्टिकरण की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। 1000 रुपया नहीं और भी अच्छा प्रोग्राम जब भाजपा का प्रदेश इकाई ने अपने संकल्प पत्र जारी करेगा, आप देख लेना झारखंड के लिए आगे 5 साल किस तरीके से कार्यक्रम भाजपा करेगी। भाजपा जो बोलता है वो करता है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया से क्विंटल से धान खरीद रहा है बीजेपी का सरकार 500 रुपया में राजस्थान में रसू की गैस दे रहा है ₹500। भाजपा की उड़ीसा में सरकार बना, वहां की सरकार 50,000 रुपया हर माता को दीदी बहन को दे रहा है। सुभद्रा योजना के अंतर्गत हर दीदी को, माँ को, बहन को, बेटिया को 50,000 रुपया साल में देने का काम भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आएगा सिंदरी बलियारपुर में, जितना भी हमारी इंडस्ट्री बंद है उसको चालू करने का काम, और लोकल जो हमारी बेरोजगार नौजवान है उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं होगा, यहाँ से ही उनको काम करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा हेल्थ सेंटर नहीं है, सबको धनबाद जाना पड़ता है। बीजेपी का सरकार लाइए और पुरुलिया का साथ धनबाद को जोड़ने का काम हमारी राजमार्ग से जो करेगा सेतु निर्माण का साथ वो भाजपा ही कर सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। बंगाल में किस तरीके से पोस्टल वायलेंस हुआ, चुन चुन के बीजेपी कार्यकर्ता को खून किया गया है। अब तक ममता जी का अत्याचार हम लोग सहन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष बंगाल मेरा खिलाफ 72 मामला फर्स्ट मामला दाखिल किया ममता बनर्जी, मुझे कोर्ट से संरक्षण मिला है। बंगाल में 235 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता को खून कर दिया, उसको मौत की घात उतार दिया टीएमसी का गुंडा लोग ने। किस तरीके से बंगाल में आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में हमारी बहन बेटिया डॉक्टर बेटिया के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उनको किस तरीके से उनको मर्डर किया गया है। और ममता बनर्जी का सरकार, हेमंत जी का करीबी सरकार, इंडिजोट का सरकार, वो बंगाल में जस्टिस ना दिलाने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स था सबको डिस्ट्रॉय खत्म कर रहा है। आर्चिकर का डॉक्टर बहन को ये लोग खून कर दिया, पूरा देश में जस्टिस फॉर आर्चिकर आप लोग ने नारा उठाया। इस चुनाव में ये महिला विरोधी इंडिजोट को खत्म कर देना चाहिए। चुनाव को दौरान वोट डाल के आपको मैं आपका पास आया हूं, फिर भी दूसरा क्षेत्र में मुझे जाना पड़ेगा। इस चुनाव में बंगाल के हर बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड बीजेपी कार्यकर्ता का साथ एक साथ कंधे से कंध मिला के काम करेगा और इसको उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए आपको करेगा। आपने देखा है
डीपीसी से उसको ममता बनर्जी की सरकार को कंसेंट लेते हुए उसको पानी को डिस्चार्ज किया। आओ झारखंड बॉर्डर हमारी झारखंड झाड़ग्राम का चिचिड़ा और आसानसोल का कुल्टी बॉर्डर ममता बनर्जी बंद किया। कितना टाइम तक 72 आवर्स बंद करने के लिए हुंकार दिया था ममता बनर्जी की सरकार। हम लोग आप लोग भी यहां से आवाज उठाया, हम भी अंदर से आवाज उठाया। राजमार्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मैं अमित शाह जी को दरखास्त किया तुरंत पैरामिलिटरी फोर्स भेजिए। झारखंड हमारी प्रदेश है, इसका रोड ब्लॉक करने का कोई अधिकार टीएमसी का सरकार को नहीं है। 24 आवर्स के अंदर सब खत्म हो गया, चालू हो गया, सब ट्रांसपोर्ट आप देख लिया। किस तरीके से आपका पोटैटो गाड़ी को बीच बीच में रोकता है कि बीच बीच में ममता बनर्जी का सरकार झारखंड का साथ किस तरीके से गलत तरीके से व्यवहार करता है, इसको भी मुंह तोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा। इस विनती के साथ अभी हमारे बंगाली देर बोलो हमारे सुख अनेक कथा आई मंडल आज मुखर्जी आ चल हमारे আত্মীয়রা আছে 90 লক্ষ লোক বাংলায় কথা বলে। আমাকে আমার পার্টি ত্রিপুরা পাঠিয়েছিল বাঙালিদের কাছে প্রচার করেছি, বাঙালিরা জোট বেঁধে ডবল ইঞ্জিন সরকার করেছে। আমি ছত্রিশগড়ে পার্টি পাঠিয়েছিল আমাদের দন্তেওয়াড়াতে, আমাদের মানা ক্যাম্প রায়পুরে, আমাদের 11টা বাঙালি অধ্যুষিত বিধানসভাতে সব বাঙালি আমাকে বলেছে আর উদ্বাস্ত হব না, মোদিজিকে ছাড়ব না। ঝাড়খণ্ডের সব বাঙালিকে বলব অন্যদের সাথে নিয়ে পদ্ম ফুলে ভোটটা দিতে হবে, বাংলা বাঙালিকে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে। যখন পশ্চিমবঙ্গকে আগের পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চাইছিল তখন ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি 1947 সালে 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গকে রেখে দিয়েছিল ভারতবর্ষে। আমরা উড়িষ্যার একটা বড় অংশ, পুরো ঝাড়খণ্ড, পুরো বিহার এবং বাংলা আমরা সবাই আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, আমাদের ভাষা সংস্কৃতি, আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আমাদের মানসিকতা আমরা প্রায় সবাই একই। আমি ঝাড়খণ্ডের প্রত্যেক বাঙালিকে বলব যদি ঝাড়খণ্ডে আপনারা বিজেপিকে জেতান তাহলে এই বাংলায় কুশাসন দুঃশাসন সুরপণখার হাত থেকে আমরা বাংলাটাকে বাঁচাতে পারব। বাংলার বাংলার হিন্দুদেরকে, জনজাতিদেরকে, কুর্মীদেরকে আমরা বাঁচাতে পারব। তাই ঝাড়খণ্ডের এই নির্বাচনে আপনারা সবাই পদ ভুলে ভোট দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ইন্ডিজোটের সরকারকে পরাস্ত করে ডবল ইঞ্জিনের রাষ্ট্রবাদী সরকারকে জেতাবেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো ঝাড়খণ্ডবাসীকে, তারা মোদিজিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করেছেন। এখানে 14টার মধ্যে 9টা আসন তারা নরেন্দ্র মোদিজিকে এনডিএকে দিয়েছেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আমি যখন আসছিলাম আপনাদের এখানে আরেকজন সাচ্চা রাষ্ট্রবাদী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দায়িত্বে আছেন শিবরাজজির সাথে। তিনি আমার বায়োলজির ফোনে ফোন করলেন, আমাকে বললেন শুভেন্দু ভাই আপনাকেও ঝাড়খণ্ডে ভোটে আসতে হবে। আমি বললাম নেতা হিসেবে ডাকবেন না, কর্মী হিসেবে ডাকবেন।
আমাদের যত বর্ডার আছে 16-17টা বিধানসভা আছে, আমি সেখানে পড়ে থাকব, বিজেপি কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করব, আমরা সবাই মিলে কাজ করব এবং এবারে ঝাড়খণ্ড জেতাব আর আপনারা গিয়ে বাংলায় আপনারা বিজেপি কে জেতাবেন, আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে কাজ করব। একটা লাস্টে হিন্দিতে কথা বলবো, জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী গেছে কয়েকদিন আগে, যোগী আদিত্যনাথ জি গেছিলেন বৃন্দাবনে, তিনি বলেছিলেন হিন্দিতে একটা ভালো কথা আমাদের জন্য, সনাতনীদের জন্য, বলেছিলেন জো বাঁটেগা ও কাটেগা, একজনে কেউ বাঁটবেন না, ভাগ হবেন না, ভাগ কেউ হবেন না, বাঁটবেন না, যোগীজির কথা বলুন, আমি ভারতীয়, আমি সনাতনী, আমি মূলবাসী, মোদীজি তো মূলবাসীদের সম্মান দিয়েছেন, দেশের এক নম্বর নাগরিককে দ্রৌপদী মুর্মু, আমরা দুটো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী করেছি, জনজাতিদের বিষ্ণুদেব সাই ছত্তিশগড়, মোহনমারী উড়িষ্যা, আমরা কোন জনজাতি কর্মীকে নিচে বসাই না, উপরে বসাই, এটা নরেন্দ্র মোদীজির সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক বছর মোদীজি 15ই নভেম্বর এই ঝাড়খণ্ডের মাটিতে আসেন, ভগবান বিরসা মুন্ডাকে আদিবাসী জনজাতি গৌরব দিবস পালন করতে। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, বাংলাদেশে 596টা মন্দির ভেঙেছে, বাংলাদেশে হিন্দুদের কাটা হচ্ছে, হিন্দু মা বোনেদের ইজ্জত না হচ্ছে, কেউ চান বাংলাদেশ হোক, ঝাড়খণ্ড বা পশ্চিমবঙ্গ চান না তো, যদি না চান বিজেপি।